स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलिप्सोइड। आज की वीडियो में अपन इलिप्सोइड यानी दीर्घवृत्तज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल अपन ने जो केंद्रीय शंकुवज जो अपन ने डिफाइन किया था, केंद्रीय शंकुवज का ही एक पार्ट यानी एक डायग्राम जो है वो अपन इलिप्सोइड की फॉर्म में देखते हैं। तो इलिप्सोइड के लिए अपन डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें होती है वो किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट होती है। तो उनके देखने से पहले अपन केंद्रीय शंकुवज के सेंटर के बारे में बात करेंगे। केंद्र, कोई भी जो अपना केंद्रीय शंकुवज होता है उसका जो सेंटर होता है वो कैसे डिफाइन होता है? तो सेंटर जो होता है वो ये वैल्यू होती है या उस पॉइंट को अपन बोलते हैं केंद्रीय शंकुवज के लिए वह बिंदु जिससे कोई भी अगर अपन प्रतिच्छेदित रेखा खींचे तो वो क्या हो, उन सभी बिंदुओं से क्या हो, जो भी बिंदु अपन उस पर लेते हैं वो क्या होने चाहिए, उसे समदूरस्थ होने चाहिए यानी उसकी जो दूरियां होती है वो कैसी होनी चाहिए, अपने इक्वल होनी चाहिए। देन उस कंडीशन में अपन उसके क्या क्या बोल सकते हैं, सेंटर ए बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे केंद्रीय शंकुवज सेंटर कोइंसाइड्स के लिए, जो अपना केंद्रीय शंकुवज के लिए जो केंद्र है वह बिंदु होती है, केंद्र वह बिंदु कहलाता है जिससे गुजरने वाली रेखा गुजरने वाली रेखाओं जो भी रेखाएं इस सेंटर पॉइंट से अपनी गुजरती है, ठीक है, तो इससे जो गुजरने वाली रेखाएं होती है शंकुवज को समदूरस्थ बिंदु पर क्या करती है, समदूरस्थ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये इसकी डेफिनेशन रहती है, आप इस डेफिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा। तो जो भी अपना सेंटर कोइंसाइड जो अपन ने डिस्कस किया था तो उसके लिए जो अपनी जो वैल्यू होती है किसकी, सेंटर की, यानी सेंटर का जो पॉइंट होता है, सेंटर अपन किस पॉइंट को बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे जिसे जिस बिंदु से गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होगी वो शंकुवज से क्या होगी, समदूरस्थ होगी या समदूरस्थ दूरी पर क्या करेगी, उसको प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात अच्छे से? आप देखिए, अब अपने इस सेंटर यानी मूल बिंदु से गुजरने वाला जो अपना कोनिसोइड होगा, सेंटर कोनिसोइड, उसकी इक्वेशन अपने यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से गुजरने वाले केंद्रीय शंकुवज का समीकरण, केंद्रीय शंकुवज का समीकरण। तो इस समीकरण को अपन कैसे दिखाएंगे, ये जो समीकरण रहता है, अपन ने कल जो अपन ने केंद्रीय शंकुवज के लिए ये समीकरण देखा था, ए कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डी डैश, ये क्या देखा था अपन ने वहाँ पे कल, जो है अपन ने जो इक्वेशन है वो अपन ने वहाँ पर देखी थी। ठीक है, अब अगर अपन ये मूल बिंदु से गुजरता है तो देखिए इसमें क्या चेंजेज आता है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी अगर ये जो पॉइंट है ये अपना कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन डिफाइन हो जाएगी। तब अपन क्या बोलेंगे, जो अपना कोनिसोइड्स है, जो भी अपना यहाँ पर सेंट्रल कोनिसोइड्स है वो किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलिप्सोइड की। अगर इसी फॉर्म में अपन इलिप्सोइड को देखते हैं तो इलिप्सोइड की इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, और उसके लिए अपन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से हो सकते हैं। अब देखो इलिप्सोइड के लिए देखेंगे सबसे पहले तो दीर्घवृत्तज, तो दीर्घवृत्तज के लिए आप पहले समीकरण देखेंगे, समीकरण
इलिप्सॉइड के लिए, तो इलिप्सॉइड के लिए जो इक्वेशन है वो यहाँ पर क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये रहती है अपनी इलिप्सॉइड की दीर्घवृत्त का इक्वेशन। दीर्घवृत्त का इक्वेशन आप सभी जानते ही हैं, अगर अपना 2D में होता है तब अपना ये इतना पार्ट आता है, और जब ये 3D की बात होती है तो ये इस तरह से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? अब देखिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई इसके इक्वेशन की बात। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि अगर कोई दो बिंदु इस दीर्घवृत्त पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसको क्या समझेंगे अपन, एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से अपन दो बिंदुओं का यहाँ पर अगर कोई शंकुवज पर प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है किसी रेखा का और शंकुवज का, तो अपन उसको कैसे ज्ञात करेंगे। लिख देती हूँ मैं हेडिंग, शंकुवज व रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु। शंकुवज और रेखा का क्या निकालेंगे यहाँ पर अपन, प्रतिच्छेदन बिंदु देखेंगे। तो इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से अपन इसको यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन दी हुई होगी और एक अपने यहाँ पे किसकी इक्वेशन दी हुई होगी, कॉनिसोइड की इक्वेशन यानी शंकुवज की इक्वेशन दी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अपने पास एक लाइन गिवन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो लाइन गिवन है वो रेखा का समीकरण है, वो मैं लिख लेती हूँ। रेखा का समीकरण गिवन है x प्लस है 5/-3, y-4 और z-11/7 और इसके इक्वल में अपन क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ताकि अपन x, y और z के जो कोफिशियंट है वो अपन इसकी हेल्प से निकाल पाएँ, ठीक है। r मान लो, लेमडा मान लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। और दूसरा आपने को क्या दे रखा है, शंकुवज का समीकरण, और शंकुवज का समीकरण दे रखा है 12x²-17y² + 7z² = 7, ठीक है। ये इलिप्सॉइड का इक्वेशन नहीं है, ये किसका इक्वेशन है अपना, शंकुवज का। इलिप्सॉइड का नहीं है वो कैसे पता चला, यहाँ पे अगर इलिप्सॉइड होता तो यहाँ पर कितना होता, 1 होता। क्लियर है मेरी बात अच्छे से, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपने ये जो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, तो मैं इस लाइन से क्या निकालूंगी, एक्स वाई और जेड के क्या निकालूंगी, कोफिशियंट निकालूंगी। और अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, लाइन और जो शंकुवज है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। मतलब लाइन से जो पॉइंट अपन निकाल रहे हैं वो अपन किस में पुट कर देंगे, अपन इस शंकुवज में पुट कर देंगे, और वहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो अपने पास जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले अपन यहाँ से बिंदु निकालते हैं आर की फॉर्म में। बिंदु के जब अपन निर्देशांक निकालेंगे तो अपने पास कितने आएंगे, -3r + 5। पहला तो ये आ गया x कोफिशियंट, और y कोफिशियंट आएगा r + 4, और z कोफिशियंट आएगा 7r + 11। क्लियर है? अब ये जो कोफिशियंट अपन ने निकाले हैं इसको कहाँ पर रखना है, इस इक्वेशन में निकालना है, क्योंकि ये जो अपन ने बिंदु निकाला है ये किसको सेटिस्फाई करेगा, शंकुवज की समीकरण को संतुष्ट करेगा। प्रतिच्छेदन के लिए, प्रतिच्छेदन के लिए बिंदु शंकुवज की समीकरण को, समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः अपन क्या कर देंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, और वहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 12 है, अब x की जगह क्या लिखा जाएगा, -3r + 5 का
होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद है, ये 5 भी माइनस का ही है, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, माइनस का 17 आर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या था, जेड के साथ में से प्लस 7 जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस 7, जेड की वैल्यू कितनी है 7 आर प्लस 11 का होल स्क्वायर, और इक्वल में कितना चल रहा है 7 है चल रहा है। बस इसको क्या करना है, अब अपने को सॉल्व करना है। तो पहले इसके स्क्वायर को खोल लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करके अपन आर के जो मान है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो खोल लीजिए इसको, 12 इसको मैं लिख देती हूँ, 9 आर स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30 आर माइनस के 17 आर स्क्वायर प्लस 8 आर प्लस 16, और यहाँ लिख देंगे प्लस में 7 49 आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 154 आर प्लस 121 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है 7 है चल रहा है, ठीक है। ये अपना यहाँ पर क्या हो गया, इसको खोलने पर अपनी इक्वेशन है बन गई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, पूरा खोल लीजिए इसको, 108 है आर स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन इसको पूरा अपन मल्टीप्लाई करके सीधा अगर अपन इसको पूरा सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में डायरेक्ट इक्वेशन है उसको लिखवा देती हूँ। तो वो जो इक्वेशन है वो अपने पास देखिए क्या बनेगी, वो इक्वेशन जो है वो अपने पास बनेगी लास्ट इक्वेशन इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। वो इक्वेशन अपने पास बनेगी आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप सभी कर ही सकते हैं इस चीज़ को तो अच्छे से, ठीक है। तो वो तो हो ही जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस 3 आर इक्वल टू 3 आर प्लस 2, इन दोनों के जब टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस 2 और आर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर की, एक तो 2 आ जाएगी और एक नहीं आ जाएगी, माइनस की 2 और माइनस का 1 जो है वो अपने पास आर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये जो आर की इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट की है, ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन वापस जो है वो वहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जहाँ पर अपन ने उनके प्रतिच्छेद बिंदु को लिखा था। तो देखिए वापस अपन उन बिंदुओं को निकाल लेते हैं जो अपने प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। तो अपन ने क्या निकाला था, जो बिंदु निकाला था वो अपन ने कुछ इस तरह से निकाला था, माइनस के 3 आर प्लस में माइनस है 5 और आर प्लस है 4 और 7 आर प्लस है 11, ये अपन ने निकाला था। अब आर की वैल्यू जब अपन माइनस 1 रखते हैं, आर की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो बिंदु क्या बनेगा, देखिए प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 5, तो ये माइनस का 2, ठीक है। माइनस 1 रखा तो 3 और यहाँ पे आएगा 4। जब माइनस 1 रखा तो अपने पास में ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जो है वो अपन क्या रख देंगे, माइनस का 2 रख देंगे, दोनों ही कंडीशन में अपने को निकालना है। तो r इक्वल्स टू माइनस का 2 रखने पर, तो जब अपन माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस के 6, तो यहाँ पे आएगा माइनस का प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 14 हो जाएंगे तो माइनस का 3। ये क्या आ जाएंगे, दोनों जो है वो अपने प्रतिच्छेदन बिंदु अपने पास में फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपन इजीली
कोई भी लाइन और जो सेंट्रल जो अपना कॉन्साइड्स होता है उसकी जो इक्वेशन के लिए अपन यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु इजीली फाइंड आउट है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। इलिप्सोइड के बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन को देखा था। इलिप्सोइड के कुछ और प्रॉपर्टीज जो है वो अपन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर उसका अपने को प्लेन निकालना हो वो अपन कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन कल के वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।